पर हुए हमले को लेकर गांव में किया गया फ्लैग मार्च। यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के नरसिंहपुर कछुआ में दिनांक 12 तारीख को हुई घटना से गांव में भय का माहौल बना था, जिसको दूर करने के लिए क्षेत्राधिकारी सिराथू रामवीर सिंह के नेतृत्व में गांव में दो थाने के फोर्स फ्लैग मार्च किया। 12 तारीख को उपनिरीक्षक कृष्ण राज सिंह कांस्टेबल दिलीप सिंह के ऊपर जानलेवा हमला नरसिंहपुर कछुआ गाँव में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें से 3 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन गाँव में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। फुलिया देवी उर्फ फूलमती व उसके सहयोगियों की वजह से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। यहां तक नरसिंहपुर कछुआ गांव में अंग्रेजी बियर की दुकान है, घटना के बाद आज तक नहीं खोली गई, जिसको लेकर गांव की गलियों में फ्लैग मार्च कर गांव के लोगों को समझाया गया। सीओ रामवीर सिंह ने ग्रामीणों से वार्ता करके कहा कि आप अपना काम बिना भय के करें, किसी तरह की कोई समस्या हो तो तत्काल फोन पर सूचना दें या थाने आकर बताएं, किसी को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए आई थी दबिश देने के लिए, और पुलिस का उन्होंने गांव वालों ने हमला किया और उनमें से गिरफ्तार भी हुए। कुछ सभी फरार चल रहे हैं और गांव में रोष व्याप्त है, यह व्याप्त है कि वो बाहर नहीं निकले हैं। उनके विश्वास को गिरफ्तारने के लिए हमने फ्लैग मार्च किया और लोगों को समझाया है कि आप अपना काम करें और निश्चिंत होकर करें और आपकी सुरक्षा गारंटी हमारी है, इसलिए फ्लैग मार्च किया गया।